हेलो दोस्तों जय हिंद कैसे हो आप सब एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर लेकर आऊँ जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसे कि आपको पता है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की भर्ती के लिए ठीक है दोस्तों उसके ही संबंध में आज एक आपका यू पी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और उसमें क्लियर क्लियर दो बात कही गई है वो मैं आपको वो चीज़ भी आपको पूर्व बता दूंगा उस चीज़ का क्या क्या मीनिंग है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो नोटिफिकेशन में बिना कुछ देरी कर चलो मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ वो दिखा दूंगा नोटिफिकेशन में ये बात गई दोस्तों एक तो कि जो आपका ये अभी कुछ मतलब लगभग पंद्रह से बीस दिन पहले एक नोटिस आया था इसमें कहा गया था कि इसका अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ है तो उस नोटिफिकेशन में और उसमें यह बात भी कही थी कि छः अक्टूबर लास्ट डेट है तो दोस्तों उसके बाद कोई भी टेंडर का नोटिस नहीं आया तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो आपका डेट है वो फाइनलाइज अब हो चुकी है टेंडर की अगर नहीं होती तो आगे एक और नोटिफिकेशन आ जाता ठीक है दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी और उसी के संबंध में नो नोटिफिकेशन आया इसमें साफ साफ सफ़े कहा है कि जो आपका नोटिफिक जो आपका टेंडर है वो आपकी कंपनी फाइनलाइज हो चुकी है हालांकि नोटिस में ये नहीं बताया कि आपका टी हुई है एन एस आई हुई या फिर कोई तीसरी और कोई भी कंपनी हुई ये कुछ भी नहीं कहा गया सिर्फ ये कहा गया है कंपनी फाइनलाइज हो चुकी है और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो डेढ़ से दो हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा ठीक है दोस्तों ये बात भी क्लियर क्लियर साफ साफ शब्दों में कही गई है ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब ये है दोस्तों आप लगा सकते हो आपका एग्ज़ाम जो है लगभग अब आपसे बहुत कम टाइम बचा है आपका पंद्रह नवंबर के बाद सोलह सत्रह नवंबर कभी भी आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों ये बात मैं आपको क्लियर क्लियर बता दूँ बाकी दोस्तों जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है प्लीज़ अपनी तैयारी में लग जाए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है तो प्लीज़ क्योंकि कंपटीशन इतना अच्छा रहने वाला है इसमें काफ़ी रहने वाला है ठीक है ना दोस्तों इसलिए प्लीज़ अपनी तैयारी में लगातार लग रहा है बाकी मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इसका जो भी जितना भी आपका पेपर होगा पेपर के टाइम पे जो भी रिव्यू होगा वो भी मैं आपको रिव्यू करवा दूंगा अपने चैनल पे ठीक है दोस्तों ताकि आपको टाइम टू टाइम रिव्यू मिलता रहे बाकी इस वीडियो में इतना कह जाऊंगा वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करना ओके जय हिंद